हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है। लास्ट वीडियो में हमने डिटरमिनेंट्स फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स एंड 4x4 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसके अलावा इनवर्स क्या होगा वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज, the first and the foremost property of determinant is the value of determinant will not change if the rows and the columns are interchanged. That means क्या? For example, if I take a matrix A as 1, 2, 3, 4, okay, and if I change its rows and columns, that means if I do its transpose, or again I am making another matrix B, जिसमें अगर मैं इनकी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, दैट मींस ये पहली रो है, इसे मैं इसका कॉलम बना दूं, और ये जो सेकंड रो है इसे मैं अपना सेकंड कॉलम बना दूं। तो अगेन अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि A डिटरमिनेंट हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे और फिर बीच में माइनस साइन दे देते थे। तो ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस 3 × 2। तो यहाँ पे भी देखो ऐसा ही होगा, 4 × 1 × 3 × 2 ही होगा, दोनों का डिटरमिनेंट सेम आएगा। 4 × 1 = 4 एंड 3 × 2 = 6 व्हिच इज -2। अंडरस्टूड? दैट मींस अगर हम पूरे की पूरी रोज को, पूरे के पूरी कॉलम्स बना दें और रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें और एल्स आई कैन से ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। वो डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। Clear? Talking about the second property, it says value of the determinant is multiplied by -1 if two rows or two columns are interchanged. That means अगर हम रो को रो के साथ चेंज करें, इसमें क्या था, हम रो को कॉलम बना दें। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम रो को रो के साथ चेंज करें या टू कॉलम्स, दैट मीन्स कॉलम को कॉलम के साथ चेंज करें, तो जो भी डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव या इनवर्स हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट्स सी दैट आल्सो। अगर मैं एग्जांपल लूं, इफ अ मैट्रिक्स A इज अगेन 2, 4, 6, 8, ओके, अब मैंने अगर इन दोनों के रोज को इंटरचेंज कर दिया, दैट मींस देन मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया B, जिसकी वैल्यू मैं क्या डाल दूं, 6, 8। ये मेरी सेकंड रो थी, इसे मैंने अपनी फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट रो को मैं अपनी सेकंड रो बना देता हूं, और फिर जब मैट्रिक्स निकालने की बात आती है तो A डिटरमिनेंट वुड बी इक्वल टू 2 × 8 माइनस 6 × 4 व्हिच इज 16 माइनस 24, जो अगेन कितना आ जाएगा, -8। और जब मैं इस B वाले डिटरमिनेंट का या B वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं, तब वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 4 माइनस 8 × 2 विच विल बी 24 माइनस 16 विच इज +8। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी रही, दोनों में सेम रही, 8 रही, बट जब हम दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे रोज को इंटरचेंज किया, आप कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हो। उसके बाद चेंज क्या आता है कि अगर आपका ये माइनस निकला है तो सेकंड इंटरचेंज करने के बाद प्लस निकलेगा, अगर आपका प्लस निकला है तो नेक्स्ट आपका माइनस निकलेगा। दैट मींस फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किससे, -1 से। ओके, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की क्या कहती है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कैन बी 0। दैट मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, और वो किन सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है वो भी हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है। क्या, द वैल्यूज ऑफ टू रोज आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल दैट मींस क्या, अगेन मैं एग्जांपल देके समझाऊं, इफ अ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A व्हिच इज 1, 2, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 8, तो देखो पहली रो की मैट्रिक्स क्या है, 1, 3, 4 है, और यहाँ पे थर्ड रो की मैट्रिक्स क्या है, 2, 6, 8 है। दैट मींस जब इन तीनों नंबर्स को मैं इनटू 2 करता हूँ तब मुझे ये आंसर्स मिलते हैं। दैट मींस ये दोनों रोज, कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड रो, वो कैसी है, प्रोपोर्शनल है, तब इसका डिटरमिनेंट A क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली If I take the values of B as 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 5, 4. तो यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली फर्स्ट और थर्ड रो सेम है, ओके सेम है, दैट मींस आइडेंटिकल है, तब भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, अंडरस्टूड। और कब कब जीरो आएगी, तो इन लोगों ने बोला है ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम आर जीरो, दैट मींस अगर किसी भी मैट्रिक्स की एक पूरी कॉलम जीरो है तब भी उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, और अगर किसी मैट्रिक्स की कोई पूरी कॉलम जीरो है तब भी उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। मैंने देखो इंडिविजुअल रो और इंडिविजुअल कॉलम करके बताया है, यहाँ पे ये सेकेंड या थर्ड रो भी पूरी जीरो हो सकती है। कोई भी रो के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उस रो या उस कॉलम की वजह से पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो जीरो निकल जाएगा, ओके। ये यहाँ पे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर होती है। देन कम्स फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? The determinant of a upper triangular matrix, lower triangular matrix, diagonal matrix, scalar matrix and identity matrix. कितने मैट्रिक्स दिए गए हैं? upper triangular 1, lower triangular 2, diagonal 3, scalar 4 and identity 5. That means इन 5 तरह के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स होगा। That means let's say मैं example लूं for A is equals to 1 0 0 2 4 0 1 3 2। तो यहाँ पे देखो कि ये लोअर नीचे ट्राइंगल बना, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। और इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा। 1 into 4 into 2 which is सिमिलरली हम अगर दूसरे मैट्रिक्स की बात करें 4 से B, जिसकी वैल्यूज 1 2 4 3 2 0 एंड 4 या 3 0 0। तो अब देखो यहाँ पे ये इस साइड का नीचे का ट्रायंगल वो कैसा बना? एक ट्रायंगल फॉर्म में बचा, और ये क्या रहा है? जीरोस इसके नीचे हैं, इसे भी हम अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका भी डिटरमिनेंट निकालना हो the determinant of B will be 4 into 2 into 3, so 4 2 are 8 3 are 24, पता चला। इसके अलावा अगर मैं अपर ट्रायंगुलर का एक एग्जांपल दूं तो फॉर मैट्रिक्स 0 0 1 0 2 3 1 2 3, तो यहां पे देखो ये ऊपर एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल कहां बना? एक ऊपर बना। ट्रायंगल किससे बना? जीरो से, ओके। तो वैसे टाइप के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है। ना पता हो तो यहाँ पे ऊपर आई बटन के पास मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक कर दी है, वहां से आप देख सकते हो, क्लियर। और इसका भी मैं अगर मैट्रिक्स निकालूं, डिटरमिनेंट निकालूं तो 1 into 2 into 1 which is again 2, इजीली हमें इनके डिटरमिनेंट्स मिल सकते हैं, ओके। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग टाइप्स मैट्रिक्स हैं, जो 5 मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, अगर उनके डिटरमिनेंट हमें निकालने हो तो डायरेक्टली कैसे मिलेंगे? हमें उनके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ओके। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सी ये प्रॉपर्टी को लेकर कई बार गेट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या बोला है? इफ A इज अ n by n मैट्रिक्स, n by n मैट्रिक्स है, दैट मींस रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगी, और वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स Ka इज इक्वल्स टू k रेज टू n टू द डिटरमिनेंट ऑफ A। फॉर एग्जांपल, चलो हम एग्जांपल से समझे, ओके। तो फॉर अ मैट्रिक्स A व्हिच इज 2 4 6 8, ओके, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारा, और हमें निकालना है कि 3 into A वो क्या होगा। अगर ये ऐसी टर्म्स पूछी गई हो तो ये क्या कहता है कि K क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर दिस सम हमें K की जगह क्या दे दिया है? 3। तो ये 3A will be equal to क्या हो जाएगा? k raised to n, तो यहाँ पे k क्या है हमारा 3 है और n is the order of the matrix, तो यहाँ पे हमने दिखाया है। ओके, तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो n मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a। अब 3 का स्क्वायर 9 और डिटरमिनेंट ऑफ a मैं इसे सॉल्व करके निकाल सकता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ a will be equal to 2 8 16 minus 6 4 24 which is minus 8। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो 3a, डिटरमिनेंट ऑफ 3a क्या हो जाएगा 9 - 8। ओके, तो ये हो जाएगा -72। डिटरमिनेंट ऑफ 3a क्या आया -72 आया। पता चला कैसे करना है। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म हमें यहां पे दिया गया हो तो उस कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करने के लिए पहले हम उसे मोड, ये जो मॉड्यूलस दिए गए हैं उससे बाहर निकालेंगे और उसकी पावर में जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, यहां पे 2x2 है तो वो हमारा 2, हम उसका पावर दे देंगे और फिर इंडिविजुअली डिटरमिनेंट ऑफ a सॉल्व होगा और ये कांस्टेंट k सॉल्व होगा, यानी एट लास्ट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये हमारी बेसिक 5 प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की, जिस पर से बहुत सारे गेट के सम्स पूछे जाते हैं। इसलिए आई प्रेफर या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से या नोट्स बना लो।